शाह वहाँ एक बड़े नेता बन के उभरे हैं निश्चित रूप से। मैं अमित शाह जी को बहुत बधाई, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यूपी से लेके आ रहे हैं 50+। नहीं वो 60 के अभी तक का जो रुझान है वो 60 के पार जा रहा है। हाँ 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इतना तो इतना तो 98 में भी नहीं था। 80 पूरी सीटों का रुझान नहीं आया। एक और कांग्रेस सिर्फ 25,000 कांग्रेस सिर्फ सोनिया गांधी की सीट तक सीमित रह गई है। नगमा वाला मैं नहीं समझता कि वो अभी जो फाइनली हो पाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट पर सिमट रही है और उनके नेता वहां हार रहे हैं तो फिर तो कांग्रेस की स्थिति वाकई। और समाजवादी पार्टी भी देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी 2-3 सीटों में सिमटी जा रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबके सब। तो अमित शाह एक बड़े नेता बन गए। हम अभी आपको थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय लेके चलेंगे, जहां पर प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी और पोस्टर शुरू हो गए हैं। लोगों के मन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी को लेकर के गुस्सा है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम अपने संवाददाताओं से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और वो प्रियंका गांधी के पोस्टर लेकर के उतरे हुए हैं। 80 उत्तर प्रदेश की 80 में से 66 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, 66। और बहुत बड़ी बात, ये खबर, ये आपको याद होगा एक एग्जिट पोल था जिसने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिलेंगी। किसी ने उस एग्जिट पोल पे यकीन नहीं किया, सबने कहा कि ये बहुत ही। विनोद जी मुझे याद है आपके यहीं पर डिबेट हो रही थी जी, और उस समय ये विषय आया था जी, तो मैंने ये आप अगर उसको चलाएंगे दोबारा तो मैंने कहा चाणक्य का जो एग्जिट पोल है दिल्ली का, मतलब पूरे देश का ही 340 सीटें और 70 कांग्रेस, और लगभग वहीं कहीं रुझान ही नहीं, वहीं कहीं पूरा का पूरा ये चुनाव परिणाम सिमट रहा है। और ये बात किसी ने इसकी वो नहीं की थी, सिर्फ 340 सीटों की जो घोषणा एक प्रकार से एग्जिट पोल में हुई थी वो कितना सटीक यहाँ नजर आ रहा है, ये बहुत ही। चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, चांदनी चौक सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आशुतोष और कपिल सिब्बल को हरा दिया है। इंद्रजीत राय बताइए क्या रही, कितने वोट मिले डॉक्टर हर्षवर्धन को? जी देखिए अभी अभी आधिकारिक तौर से इसकी घोषणा हुई है, आखिरी जो ईवीएम मशीन थी उसकी काउंटिंग अभी पूरी हुई है। आधिकारिक तौर पे इसको डिक्लेयर होने में अगले 5-7 मिनट लगेंगे कि वोटिंग कितनी थी और इनको कितने मत मिले, लेकिन जो लास्ट टाइम था एक ईवीएम मशीन खुलने से पहले का वो करीब 65,000 मतों का था, लेकिन अभी जो आखिरी ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग की जा रही है, तो अगले 5-6 मिनट बाद हम तक ये जानकारी पहुंचेगी कि एग्जैक्ट वोट कितने थे। लेकिन जैसे आप सुन पा रहे होंगे पटाखों की आवाज आ रही है, समर्थक सड़क पे आ चुके हैं और हर्षवर्धन खुद ही नाच रहे हैं जी, हमारे सामने मैं देख सकता हूँ हर्षवर्धन खड़े पर है, कंधे पर है लोगों के, हर्षवर्धन कंधों पे खड़े हैं और मालाओं से लदे हुए हैं इस वक्त, ये मतगणना केंद्र से बाहर निकल रहे हैं इस वक्त। अच्छा मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि बाकी नंबर 2 पे कौन उम्मीदवार रहा वहां पर? नंबर 2 पर का चांदनी चौक में कौन से उम्मीदवार रहे इसकी सूचना आपको तुरंत हम बताते हैं। 312 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे हैं, ये एक ऐतिहासिक जीत, 30 साल के बाद किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत मिलने जा रहा है। उससे पहले ये 1984 में हुआ था जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 400 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, ये उसके बाद पहला मौका है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए गठबंधन सरकारें रही, किसी भी एक दल को बहुमत कभी नहीं मिल पाया। पहली बार एक गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने खुद बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। अमेठी से खबर अभी तक यही है कि राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, और एक बड़ी खबर यह भी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सोनिया गांधी और नगमा जो कि मेरठ से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के सिर्फ 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, एक है सोनिया गांधी और दूसरा हैरान करता है शंभुनाथ जी, नगमा का। वही मैंने कहा नगमा का, सलमान खुर्शीद पीछे चल रहे हैं, सलमान खुर्शीद पीछे हो गए, लेकिन नगमा का आगे चलना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नगमा की सीट फंसी हुई थी। वजह ये थी कि वहाँ बीजेपी का सिटिंग एमपी है, बीजेपी की परंपरागत सीट है, राजेंद्र अग्रवाल का काम भी अच्छा है,
पर नगमा और साथ में अगर पोलराइजेशन देखा जाए तो तीन मुस्लिम एक तरफ थे, एक तो नगमा थी, दूसरे साहिद मंजूर जो सूबे में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और तीसरे अखलाक कुरैशी। अखलाक कुरैशी बहुत ताकतवर, बहुत संपन्न कैंडिडेट माने जाते हैं, बहुत पावरफुल माने जाते हैं। इसके बावजूद अगर नगमा जीत रही हैं और बीजेपी को वहाँ सफलता नहीं मिली तो आश्चर्यजनक है। या तो नगमा का अपना जो ग्लैमर है वो काम कर गया। हम आपको इन चुनाव की कुछ बड़ी तस्वीरें बता दें। पहली बड़ी तस्वीर, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दूसरी बड़ी तस्वीर, किसी भी राजनीतिक दल को 30 सालों में पहली बार लोकसभा में बहुमत मिलने जा रहा है। तीसरी बड़ी तस्वीर, राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। चौथी बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश की 80 में से 66 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पांचवी बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश में सिर्फ सोनिया गांधी और नगमा आगे चल रही हैं। छठी बड़ी तस्वीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त लहर है। सातवीं बड़ी तस्वीर, कांग्रेस का यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, कांग्रेस के इतिहास का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। और 2 बजे राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं एक सवाल ऐसे ही उछाल रहा हूँ आपकी तरफ पंकज जी। जी, जो ये प्रदर्शन आपको दिख रहा है राहुल गांधी का या कांग्रेस का, शायद 60 सीटें भी नहीं आ रही कांग्रेस की, कहीं बहुत ही मैं आगे तक की बात सोच रहा हूँ, कहीं राजनीति से संन्यास तो नहीं ले लेंगे? अब ये तो वो परिवार तय करेगा और राहुल गांधी खुद तय करेंगे, लेकिन उनकी रिलक्टेंस की बात शुरू से की जा रही है कि जैसे अनमने ढंग से कोई आदमी परिवार की परंपरा के निर्वाह के लिए राजनीति में आ गया हो, और शुरू से ये द्वंद्व और विवाद कांग्रेस के भीतर बना रहा कि वो उत्तराधिकार जो गांधी नेहरू फैमिली का है, वो उत्तराधिकार किसको मिले। सोनिया इसको तय कर रही थी बार बार, और वो अपने बेटे के पक्ष में इसको तय कर रही थी, लेकिन इससे आम कांग्रेसी खुश नहीं थे, और आज वो भावनाएं जैसी कि सूचना है फूट के सामने आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपने पूरे प्रचार अभियान में जनता से जो एक निकटता होती है, जो आत्मीयता होती है, और जो एक बड़े नेता का, एक तेजस्वी युवा नेता का संवाद होता है जी, वो कायम करने में। चलिए कांग्रेस के नेता प्रणव झा से ही पूछ लेते हैं। प्रणव झा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय से। प्रणव झा, पूरे देश अब यही जानना चाहता है कि क्या इस हार के लिए राहुल गांधी को ही नहीं जिम्मेदार माना जाना चाहिए? मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा आपके प्रश्न के विपरीत, कि क्या राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे थे या वो अपनी चुनाव लड़ रहे थे? आप देखें, कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा नहीं है, एक व्यक्ति जो है पूरी पार्टी